एनटीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे घटना पर घटना, घटना पर घटना। कहा यह जाता है कि शायद इसकी पुनरावृत्ति ना हो, घटना किसी भी जगह पे हो, लेकिन हमें उसका सबक लेना चाहिए। शायद यही एक समझदारी की बात हो सकती है और यही स्मार्ट आपका सिस्टम होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं जयपुर के विद्याधर नगर की, जहां पे एक मकान में आग लगती है। आग के कारणों के कई बातें सामने आ रही, कोई कह रहा है एसी के कंप्रेसर की वजह से लगी, कोई कह रहा है सिलेंडर ब्लास्ट हुए, लेकिन खैर जो भी हुआ कारण 5 लोगों की मौत हो गई। और मौत ऐसे वक्त तो ही कि कहें कि जिंदी लाशें जल गई, जिंदे लोग लाश बनकर के जल गए। बचाया जा सकता था, कोशिश की लोगों ने, और सुबह आक्रोश भी इसी बात को लेकर के फूटा कि वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पाए। पुलिस मौके पर पहुंच गई, फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, पहले 1 घंटे तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचती है, पहुंचने के बाद संसाधन पूरे नहीं होते हैं। ये हमारे विकास की एक तस्वीर सामने आती है। एक सवाल खड़ा होता है कि जब हम टैक्स देते हैं, सारी चीजें देते हैं, संसाधन के लिए कहा जाता है कि संसाधन हमारे पास में उपलब्ध है, लेकिन फिर वो काम किस बात के आएंगे? अगर उन लोगों को हम ये सोच करके नहीं बचा पाए कि हम लाचार हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बदनुमा दा कोई हो नहीं सकता। चलिए हम आपको एजेंडा दिखाते हैं और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से हम मुखातिब होंगे। हमारे साथ जयपुर की पूर्व महापौर शीलदा भाई जी हैं, भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं। राजेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं। धर्मेंद्र सिंह सिंघानिया जी हमारे साथ जयपुर नगर निगम में कार्यवाहक और लीडर ऑफ अपोजिशन है। और विष्णु कुलवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, व्यापार संगठन के पदाधिकारी हैं। आप सभी का स्वागत है। एक बार हम आपका एजेंडा दिखाएंगे और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से हम चर्चा करेंगे। राजधानी के पोश इलाके विद्याधर नगर के सेक्टर 9 में एक घर में आग लग गई। इस घटना में 5 लोगों की जान चली गई। शनिवार अल सुबह यह घटना घटी और इसमें फायर ब्रिगेड सिस्टम की खामियों ने आग में घी का काम किया। सूचना पर पुलिस महकमा तो तुरंत मौके पर पहुंचा, लेकिन लेट लतीफी के आदि फायर ब्रिगेड 1 घंटे देरी से पहुंची। लेकिन बात तो तब और बढ़ गई जब मौके पर पहुंचने के बाद भी सिस्टम के पास संसाधन अधूरे मिले, जिससे जो जान बचाई जा सकती थी वो भी आंखों के सामने दम तोड़ती नजर आई। फायर ब्रिगेड अपने टाइम पे नहीं आई, 1.5 घंटे बाद में फायर ब्रिगेड आई और आने के बाद भी इनकी सीढ़ियां नहीं खुली। ये दुर्भाग्य है कि अगर ये फायर ब्रिगेड टाइम पे आ जाती तो 3 हादसे तो हो चुके थे, ये 2 हादसे बच सकते थे। अग्निशमन समय पे आ गया होता तो हमारी ये इतनी मौतें यहाँ पे नहीं होती। आग लगने की खबर पर कॉलोनी के निवासियों ने पूरी तत्परता दिखाई। मकान के अंदर से लोग बचाने की आवाजें लगाते रहे और फायर सिस्टम वालों पर सुस्ती छाई रही। इस हादसे में मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई और 2 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 5 लोग मकान के अंदर थे, जिनमें 2 लड़कियां, 2 लड़के और 1 बुजुर्ग शामिल था। घर के मालिक संजीव गर्ग और उनकी पत्नी आगरा गए हुए थे। हादसे की जानकारी मिलने पर वे जयपुर पहुंचे, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो फायर सिस्टम की खामी ने आग में घी का काम किया। ना तो उसकी सीढ़ी खुली, ना उसमें वो पाइप खुल रहा, उसमें 2 लोटे पानी नहीं है और 2 घंटे बाद में फायर ब्रिगेड आई है। सबको सस्पेंड करा जाए, सबको निकाला जाए एक एक को। उनके पास न कोई जैकेट, न कोई सीढ़ी खुली उनकी, न कोई पानी की व्यवस्था। और हमने मतलब खुद हमने पार्क से सीढ़ी लाके उन 2 बच्चों जो बेहोश हुए हैं उनको हमने खुद ऊपर जाके फिर निकाला है। सिस्टम की खामियां यही नहीं, सोडाला में लगी आग में भी दिखी, जहां पर सोलर के गोदाम में आग लग गई और उसको बुझाने में फायर सिस्टम की सांसें फूल गई और इसकी वजह रही गोदाम का अंडरग्राउंड होना, जिससे फायर कर्मचारी अंदर नहीं जा पाए क्योंकि कर्मचारियों के पास ना तो ऑक्सीजन के सिलेंडर थे और ना ही मास्क। लेकिन आखिरकार जैसे तैसे आग को बुझाया। इसके अंदर कंप्लीट सोलर पैनल का गोदाम है, जिसके अंदर काफी बैटरियां है, सोलर पैनल है, उस ऑफिस से संबंधित अपने फर्नीचर है, फाइलें वगैरह है, थोड़े कागज वगैरह है और पूरा तरह से गोदाम है एक। सरकार शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करती है, लेकिन हालात ये हैं कि आग लगने की घटना में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच पाती और पहुंचती है भी तो बिना साजो सामान के। ऐसे में किसी बड़ी घटना को तो काबू में नहीं किया जा सकेगा। अगर त्वरित और पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई की गई होती तो हादसे में जान गंवाने वाले बच सकते थे। हालांकि इस घटना के बाद 3 फायर कर्मियों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन इससे उन लोगों के जख्म नहीं भरेंगे जिन्होंने अपनों को खोया है।
ब्यूरो रिपोर्ट जनटी। तो चलिए आपने देखा जयपुर शहर में आगजनी की दो घटनाएं। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या खौफ नहीं है या अपनी ड्यूटी नहीं निभाई जाती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। पिछले दिनों ही मुंबई में इसी तरह के पब में आग लगी, वहां रेस्टोरेंट में, और कितने लोगों की जान गई, खुशियां मातम में बदल गई। हम ऐसे घटनाओं का इंतजार क्यों करते हैं? अगर जो हम कर सकते हैं, जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, हम स्मार्ट सिटी के सपने देख रहे हैं और हम स्मार्ट अभी तक फायर ब्रिगेड में नहीं हो पा रहे हैं, तो कैसे हमारा सपना पूरा होगा? मेयर साहब बदले लेकिन हालात नहीं बदले। बड़ी रोचक बात है कि दूसरे जो गोडाउन की जिसकी बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे अगर किसी के कंस्ट्रक्शन होता है तो तुरंत नगर निगम या जेडी के कर्मचारी पहुंच जाते हैं कि इस गली में काम चल रहा है, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, वो एक बीट सिस्टम बहुत जबरदस्त है। लेकिन अगर कहीं किसी के कुछ ये होता है कि इसमें गोडाउन बना हुआ है, लीगल है इलीगल है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। इलीगल आप निर्माण कर सकते हैं, बस आपके अंटे में दाम होने चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं। शायद उसी का एक नजारा आज हमें देखने को मिला। और जिन वास्तव में 5 लोगों को बचाया जा सकता है, जब बचाया जा सकता था, अगर वो इस तरह से, मैं तो कहूंगा कि मारे गए, तो समाज के लिए, हमारे सिस्टम के लिए बड़ी शर्म की बात है। सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में इस तरह की जो घटनाएं हैं, इसके पीछे एक तो बात यह होती है कि ईश्वर को मंजूर यही था, ये होना था, उनकी लिखी थी, लेकिन जिस चीज को हम देख करके, जो हमारे सिस्टम है उनको उपयोग में लेकर अगर किसी की जिंदगी बचा सकें, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर ड्यूटी और आपका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। लेकिन इतनी लाचारी हो, हम जिस सभी समाज में रहते हों, और सिर्फ बस इसी वजह से कि सिस्टम हमारा फेल हो गया, तो इस वजह से 5 लोग मर जाते हैं। योगेंद्र जी, आप जो बात कह रहे हैं बहुत सही बात कह रहे हैं। दरअसल में क्या, घटनाएं तो होती है, घटनाओं और दुर्घटनाओं को कोई रोक नहीं सकता, परंतु उन दुर्घटनाओं के होने के बाद सरकार का, शहर के प्रशासन का, और जो भी हमारे सिस्टम में जो भी जिस तरह की प्रक्रियाएं हैं, उन सब का यह दायित्व होता है कि उन दुर्घटनाओं से लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से बचाया जा सके। दुर्घटनाओं पर किसी का बस नहीं है, परंतु उनमें जाने कम जाए, नुकसान कम हो, यह अप्रोच पूरे सिस्टम की होनी चाहिए। जैसा आप इस मामले में बता रहे हैं कि सुबह इस तरह की आग लगी और पुलिस पहुंच गई मौके पे, और दमकल 2 घंटे लेट पहुंची, और पहुंचने के बाद भी उसके पास संसाधन नहीं थे, सीढ़ियां नहीं थी, नोजल नहीं थे, तो ये गंभीर चिंता का विषय है। और ये इस बात को प्रकट करता है कि हमारे जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो लोग संवेदनशील नहीं है, उनका सुपरविजन ठीक नहीं है, उनकी मॉनिटरिंग ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट होता है उसको आप टाइम टू टाइम जब तक चेक नहीं करेंगे, जब तक उसके बारे में कोई सडन आप जाके कोई चेकिंग नहीं करेंगे, तब तक इसको आप अलर्ट पोजीशन में नहीं रख सकते। आग है या कोई बड़ी दुर्घटना है, वो किसी भी कोई अल्टीमेटम देके नहीं आती है, वो अचानक होती है, और उस अचानक की स्थिति में हमारे जो भी संसाधन हैं, चाहे वो दमकल के हों, चाहे नगर निगम के बचाव रक्षा जो भी राहत दल है उनके हों, उनके क्या रेस्पॉन्स रहना चाहिए, क्या रेस्पॉन्स टाइम रहना चाहिए, उनके पास क्या क्या साधन होने चाहिए, वो साधन भी ठीक है कि नहीं है, ये जिम्मेदारी इनके जो भी संस्थान है, इनके जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी बनती है। कर्मचारी है, आप देखिए, उनका काम केवल तनख्वाहें लेना रह गया है। कर्मचारी अपने आप को ये समझते हैं कि 1 तारीख को तनख्वाह लो और मौज करो, और इस तरह की जब घटनाएं जब होती है तो वो तो केवल एक औपचारिकता में भाई जाना है उनको, तो वो इस तरह से बिना साधनों के पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से जनता की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। जनता सरकार के भरोसे है, राम के भरोसे, और अगर राम तो रूठ गया उनसे, और अगर सरकार भी इस तरह से रूठ जाएगी, हमारा सिस्टम भी इस तरह से रूठ जाएगा, हमारा प्रशासन भी इनसे रूठ जाएगा, तो कैसे उन लोगों को बचाया जा सकेगा? ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए सरकार को, शासन को, प्रशासन को, निगम को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। अभी थोड़े दिनों पहले एक शादी वाला रोज गार्डन था, उसमें भी भयंकर आग लगी थी, ये उसको बुझा नहीं पाए। आप देखिए कि जयपुर में आज इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को बनाने की हम परमिशन दे रहे हैं, सिस्टम इसके हमारे पास इस तरह का सिस्टम नहीं है, तो हम इस तरह हम कोई टैक्स में कमी नहीं आ रही। आप ये देखिए, टैक्स तो पूरा लिया जा रहा है जनता से, आजकल सर्विस टैक्स का दायरा भी इतना बढ़ गया है, जीएसटी और लागू हो गया है,
और टैक्सेज भी खूब आ रहे हैं, पर हम उन संसाधनों को जो जरूरी है, जिनके आधार, जिनके द्वारा ही जनता को रिलीफ दी जा सकती है किसी भी घटना दुर्घटना के समय, वो अगर हम संसाधन जुटा नहीं पा रहे या उनको पूरी तरह से ठीक तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, तो ये हमारी कमजोरी है, शासन की कमजोरी है, सिस्टम की कमजोरी है। इसलिए इस पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। आप देखिए, अभी जो रोज गार्डन में हुई थी घटना, वो तो अच्छा हुआ कि उसके अंदर कोई शादी नहीं हो रही थी। ये आप देखिए, पहले इस तरह की जो भी जो विवाह स्थल बने हुए हैं या जहां जहां इस तरह की घटनाएं हो सकती है, उनको चेकिंग का कोई सिस्टम होना चाहिए, उनमें कोई इस तरह की कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कोई प्रक्रिया होनी चाहिए, वो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे हालात में ऐसा लगता है जैसे कोई शासन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है वो परिस्थितियों पे लगता है। इन सब परिस्थितियों से जनता में अविश्वास की भावना पैदा होती है। जनता ये सोचती है कि अब हम कहां जाएं, हम तो दमकल का जो नंबर है सबको 100 नंबर कंट्रोल रूम का रटा पड़ा है, और अगर वहां टेलीफोन करें और अगर वहां आदमी सोते हुए मिले, तो निश्चित रूप से ये सोचा जाएगा कि अब क्या होगा इस देश का, क्या होगा जनता का। और दमकल के बारे में तो ऐसा माना जाता है कि उनको तो आप देखिए कि सिस्टम में ये है कि उनको रास्ता साफ देना पड़ता है, घंटी बजानी पड़ती है, एम्बुलेंस की तरह से उनको आकस्मिक सेवाओं में माना जाता है। और अगर वही 2-2 घंटे लेट पहुंचेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह तो बहुत ही चिंता का विषय है। इसमें सरकार को, शासन को, प्रशासन को, अधिकारियों को, नगर निगम के जनप्रतिनिधियों को, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं घटनाओं की वजह से क्या हमको सबक ले पाते हैं, इसको लेकर के हमने ब्रेक से पहले सिंह साहब से एक सवाल किया था। सिंह साहब, हमारे यहाँ पे जो सिस्टम डेवलप हो रहा है, विकास के लिए आप जमीनें एक्वायर करिए, आप टैक्स लाद दीजिए, लॉजिकली कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं आप, सड़क बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, एक दिन सड़क बनती है, आपके पास मतलब प्लान नहीं है, 3 महीने बाद में उसे सड़क को खोद करके फिर उस पर लेयर चढ़ाई जाती है, एक बार सीवरेज के लिए पूरी सड़कें खोद दी जाती हैं, पता लगता है कि 10 दिन बाद में BSNL वाले सड़क खोद रहे हैं, क्या एक मॉनिटरिंग का अभाव है? ये आग से जुड़ा नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पे है कि वास्तव में लोकल बॉडीज की कोई आवश्यकता रह गई है? फिर योगेंद्र जी, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि सुशासन का मतलब क्या होता है। सुशासन का मतलब ये होता है कि वहां योजनाबद्ध तरीके से कार्य हो, जनता का जो पैसा है वो जो टैक्स के रूप में लिया है उसको ये माना जाए कि ये धरोहर है, और यदि ये एक पैसा भी कहीं अपव्यय होता है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी उसकी जो भी जो उसकी रक्षा के लिए लगाए हुए चाहे जनप्रतिनिधि है चाहे अधिकारी है उनकी है। अब ये जो आप बात बता रहे हो कि केवल कलेक्शन का काम इन संस्थाओं का रह गया है, पर जो खर्च कर रहे हैं उसमें पूरा भ्रष्टाचार है, और वो भ्रष्टाचार ही इस तरह की अव्यवस्थाओं का कारण है। कारण क्या है कि जब सिस्टम में जुड़े हुए लोग जो कि सुपरवाइजरी लोग हैं, जो लोग मॉनिटरिंग करने वाले लोग हैं, जब वो खुद भी भ्रष्टाचार के कारण से दबे हुए हैं, तो वो कैसे अपने अधीनस्थ लोगों को किस मुंह से कोई बात कह पाएंगे, किस मुंह से उनको टोक पाएंगे, किस तरीके से उनको कोई मार्ग निर्देशन कर पाएंगे, क्योंकि ये बातें किसी से छुपती नहीं है। ये सब खुल्लम खुल्ला जो भ्रष्टाचार होता है उसी का कारण यह है कि नीचे के कर्मचारी अपने ऊपर के अधिकारी की नहीं मानते, नीचे के जो जनप्रतिनिधि अपने से ऊपर के जो पार्षद वगैरह उनकी नहीं मानते। ये इस जो व्यवस्था है इसके कारण से ये व्यवस्थाएं चरमरा रहती है, और इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम इस तरह के ईमानदार लोगों को वहां लगाएं, उनकी मॉनिटरिंग करें, उनका सुपरविजन करें, मॉक ड्रिल करें, जो भी ऐसे मामले हैं उनके लिए कि हम कभी भी इस तरह का मॉक ड्रिल करें, भाई हम कोई भी फायर फाइटिंग सिस्टम हमारा पूरी तरह से सिस्टम में हैक नहीं है, इसका हम मॉक ड्रिल करें, हम किसी बड़ी बिल्डिंग है वहां पे इस तरह की अगर कोई सूचना देके हम फायर ब्रिगेडों को बुलाएं, कितने समय में पहुंचती है, क्या उनका रेस्पॉन्स टाइम है, कौन कौन लोग किस तरह से उसमें लापरवाही करते हैं। अब घटना होने के बाद 5 आदमी मरने के बाद आप 3 लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं, आप मॉक ड्रिल करिए, मॉक ड्रिल करके फिर आप देखिए कि उस सिस्टम में कौन कौन लोग कितनी लापरवाही करते हैं, उनको आप सस्पेंड करिए, तब तो ऐसा लगेगा कि आप सिस्टम को मजबूत करना चाह रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है जैसे आप केवल एक खाना पूर्ति करना चाह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा हादसा हो गया जिसमें 5 लोगों की जानें चली गई, अब आपको केवल एक डैमेज कंट्रोल करना है कि जनता की भावनाएं हैं वो उनको शांत किया जा सके, बस केवल इसी दृष्टिकोण से ये जो सस्पेंशन की कार्रवाइयां हो रही है। अगर हम इसी कार्रवाई को हम देखें
कि भाई उनके पास अचानक अचानक जाके निरीक्षण करे होने का भी तरीका देखिए, कितनी फाइल चलती है, कितने लोगों का अपहरण कर देते हैं सर, है जो कोई जाति राज के आधार पे, कोई धर्म के आधार पे, कोई पैसे के आधार पे, कोई पार्टी के आधार पे, कोई मिलने जुलने के आधार पे, वो सब वापस मैंने 2 महीने के अंदर वापस वहीं पे नौकरी करते हुए मिल जाएंगे। आज देखिए बड़े बड़े अफसर ही जो रिश्वत खाते हुए पकड़े गए वही वापस आ गए, तो ये तो बहुत ही इनके लिए तो कोई आना मैं नहीं समझता कोई बहुत बड़ा इस सिस्टम में मुश्किल काम है जी। तो हम इस तरह की जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो भी आपके फायर दमकल की जो व्यवस्थाएं, वहां अचानक जाए कोई भी अधिकारी जाए, कोई भी आपका पार्षद जाए, कोई राजनेता जाए और उसको देखे भैया तुम्हारा क्या क्या सिस्टम है, पानी कितना है, भरी हुई है कि नहीं है, दमकल है यहाँ पे, कर्मचारी कितने हैं, तो ये जब तक हम रिहर्सल नहीं करेंगे, मॉक ड्रिले नहीं करेंगे, आपस में इसका एक कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं करेंगे, और जब तक इसको हम टाइट नहीं करेंगे ना सिस्टम को, देखो सिस्टम में आज की तारीख में भी सब व्यवस्थाएं हैं, कहीं कोई इस प्रकार की नहीं है। अब हम नोजल नहीं मिला, अब गाड़ी तो थी, पानी भी था, अब नोजल नहीं था, तो ये कमजोरी तो हमारे लोगों की है ना। बिल्कुल, ये इसको आप लेटर लेके नहीं जा रहे हैं, लेटर नहीं लेके जा रहे, तो अब इनकी अगर हम बार बार इस तरह से रिहर्सल करते रहे, उनको बुलाते रहे, करते रहे, तो ये टाइट रहेंगे, और फिर अगर हम कार्रवाई करेंगे तो इनके मन में डर रहेगा कि यार उस दिन वहां पे बुलाया था बनी पार्क में, वो 8 मंजिल की बिल्डिंग थी, वहां आग लगने पे बुलाया और हम सीडीआई लेके नहीं गए, तो फला फला व्यक्ति थे उनको सस्पेंड कर दिया, उनको नोटिस दे दिए, तब तो वो सिस्टम मजबूत होता है। और अभी क्या हो रहा है कि हम घटना घटने के बाद में ये रोवा पीटी कर रहे हैं, इसको रोवा पीटनी बोलते हैं, शास्त्रीय प्रशासनिक रोवा पीटनी है, ये करेंगे आज, आज फाइल में कल अखबार में खबर छपेगी, उसके बाद वो फाइल आप ये देखना कि कहीं वो धूल चाटती मिलेगी, उसको कोई देखने वाला भी नहीं मिलेगा कि उन दमकल के अधिकारियों का क्या हुआ, कर्मचारियों का क्या हुआ, मरने वाले बेचारे मर गए और उनको जो बचाना चाहिए था सरकार को वो उनको नहीं बचा पाई, एक शासन की एक जिम्मेदारी थी उनको बचाने की, वो उनको नहीं बचा पाई, तो एक अफसोस की बात मैं मानता हूं। ये हमारे पार्ट पे है, कर्मचारियों के पार्ट पे, जनप्रतिनिधियों के पार्ट पे और हमारे सिस्टम के पार्ट पे, कि सब कुछ होते हुए हमारे पास में सारे साधन होते हुए हम स्मार्ट सिटी के सपने ले रहे हैं, कि हम कह रहे हैं कि साहब बहुत स्मार्ट सिटी है, पता नहीं कहां कहां से कौन कौन सी योजनाएं बना रहे हैं, किस तरह की कागजों में योजनाएं बन रही है, कंप्यूटरों पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, पर अगर धरातल पे देखते हैं तो वो सब के सब पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। तो ये जो स्थिति है ये इस पे बहुत चिंता की बात है। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि आपको अंदर से महसूस होता है कि निकाय का जो सिस्टम है उसकी कोई आवश्यकता रह गई अब? देखिए जिस प्रकार से जो नगर निगम है उसमें वास्तव में ऐसा महसूस होता है कि जो काम होना चाहिए वो नहीं होता है, ज्यादातर देखा जाता है कि काम जो है वो कागजों में हो जाता है और धरातल पे उस काम को उतारा नहीं जाता है। अभी जो मुंबई में कांड हुआ उसके बाद पेपरों में आया कि जो रूप टॉप है उन सबको बंद किया जाएगा, आज शायद फिर वो आया, लेकिन उसी समय अगर उन रूप टॉप जो रेस्टोरेंट है और तमाम ऐसे खुले हुए रेस्टोरेंट है उनको बंद कर दिया जाता तो शायद ये आगे ऐसी एक घटनाएं जो है वो नहीं हो पाती। लेकिन ज्यादातर जो काम मैंने देखा, करीब पिछले 3 साल का कार्यकाल हमारा निकल गया, उसमें ज्यादातर मैंने जो भी काम देखे हैं, चाहे वो किसी भी घटना को लेकर हो, चाहे वो किसी विकास कार्य को लेकर हो, वो सिर्फ और सिर्फ कागजों के अलावा धरातल पे उतरने उतरने में उस या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है या फिर होते होते वो शायद काम ही वहां नहीं हो पाता है। तो इसी प्रकार से चलिए मैं एक आपसे जानकारी जानना चाहूंगा, आप तो नेता प्रतिपक्ष हो, ये एक अलग विषय है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपोजिशन में है, रोज गार्डन में आग लगी हो या दूसरी कोई घटना है, आप लोगों ने कोई रिपोर्ट तैयार किया, देखा आपने कि वास्तव में हम लोग कहां फेल थे? ये चीजें तो आपकी खुद की अपनी है कि कभी मौका आने पर, हालांकि जब लोकसभा और विधानसभाओं की बैठकों का ये औचित्य बिल्कुल आम नजर आम आदमी के गले नहीं उतर रहा है, तो आप लोगों की इसका तो ईश्वर मालिक है कि साधारण सभाओं में क्या हालात होते हैं, कैसे रंग बिरंगे चीजें चलती हैं, तो लेकिन एक फिर भी खुद का एक अपना एक सेटिस्फेक्शन होता है कि आप कभी जनता के बीच जा सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं कि देखिए हमने हमारे स्तर पे इन फेल्योर पॉइंट्स की रिपोर्ट तैयार की है, अगर ये सब चीजें हम दुरुस्त कर पाते हैं तो रोज गार्डन को बचा सकते थे, या दूसरी कोई जो घटना होती है उनको हम बचा सकते थे, या आंख खोलने के लिए हम ये मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट हम उस सिस्टम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मीडिया की भी शायद अहमियत बढ़ी है पिछले 2 दिन से, 24 घंटे से, जजेस को जिनको दुनिया का जिनमें विश्वास है उनको भी शायद एक सहारा मीडिया का मिला था कि मीडिया ही हमारी बात पहुंचा सकता आगे तक, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म चुना, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप भी कहें कि रिपोर्ट्स हैं हमारे पास में उन पॉइंट्स को और हम एक एक तथ्यगत तरीके से हम जवाब दे सकते हैं कि कैसे फेल हैं, तो आप लोगों को भी जुटाना चाहिए, कभी कोशिश की आप लोगों ने?
बिल्कुल, जिस प्रकार से विपक्ष का जो काम है, मैं बताना चाहूंगा कि हम तमाम ऐसे जो इश्यूज हैं उनको इकट्ठा करते हैं, चाहे वो किटिंग्स के माध्यम हो, वहाँ जाते हैं या अधिकारियों से बात करते हैं, ज्ञापन देते हैं, महापौर को अवगत कराते हैं। नहीं, वो तो एक अलग सिस्टम है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, किसी घटना के फैक्ट्स आप लोगों ने जुटाए क्या? बिल्कुल, हमने जुटाए हैं। जैसे अभी अपने जो डोर टू डोर कंपनी काम करी है जयपुर शहर में, तमाम इसके जो थे मामला, उसको लेकर हमने बिल्कुल फोटोग्राफ्स कराई, हमने उसके अनुबंध की कॉपी ली कि कहाँ काम नहीं कर पा रही है, कहाँ कहाँ उसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तमाम ऐसे पॉइंट्स हमने रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को साधारण सभा की बैठक में हमने पेश भी किया और बीबीजी कंपनी के खिलाफ हमने एंटी करप्शन में मामला भी दर्ज कराया। तो हमारे पास ऐसे इश्यूज जो आते हैं उनको बिल्कुल बाकायदा हमारी पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से हम उसकी एक पॉइंट्स बनाते हैं, उनको लेकर जनता के बीच में, चाहे अधिकारियों के बीच में, चाहे किसी भी प्रशासन के बीच में जाना पड़े, हम तैयार रहते हैं। और महापौर को, क्योंकि देखिए हम महापौर को अवगत करा सकते हैं उन चीजों को लेकर, आपने अभी बताया कि विपक्ष में है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारा ज्ञापन देना और अधिकारियों को बताना ही हम सार्थक समझते हैं, क्योंकि या तो धरने प्रदर्शन कर लें या ज्ञापन दे दें। चलिए, आप लोगों की साधारण सभा की जो बैठकें होती हैं जिसमें वास्तव में शहर की प्रॉब्लम्स को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, उसमें कोई डिसीजन होने चाहिए कि हम कहां कमजोर हैं, कल जनता के बीच जाएंगे तो हमें एक जवाब देना होगा, वो कहीं शर्म महसूस होती है कि हाँ बिल्कुल हम लोग, हमारे जो ड्यूटी है या जिस भावना के साथ में लोगों ने हमें यहाँ बैठा है, 91 पार्षद हैं शायद आप लोग, तो कुछ महसूस होता है अंदर से किसी तरह की कोई शर्म कि हाँ यार हम जनता के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल सही बात है, जिस प्रकार से एक पार्षद होता है वो जनता का नुमाइंदा होता है, वो जीत के आता है और सब पार्षद चाहते हैं कि मैं अपनी क्षेत्र की समस्याएं या साधारण सभा में अधिकारियों के समक्ष, महापौर के समक्ष बताऊं, क्योंकि वैसे तो रोजाना अधिकारियों को महापौर को मिलना जुलना होता है, लेकिन जो साधारण सभा में अपनी बात रखी जाती है वो पूरी बात एक प्रोसीडिंग के माध्यम से रिकॉर्डिंग होती है और पूरी बात जो है वो अधिकारियों में और महापौर के बीच में जाती है, तो शायद उसका एक अलग से प्रभाव पड़ता है। लेकिन वहाँ जो माहौल होता है, क्योंकि आप देखिए सत्ता का प्रभाव इतना है कि वो 64 पार्षद है, हम 18 पार्षद है, तो मैं तो वैसे महसूस करना चाहता हूँ कि क्या कुछ महसूस होता है कि हम लोग वास्तव में बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और अगर आज मैं सही कह रहा हूँ आपसे, मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आपको, ये अगर हालात ये रहे तो पब्लिक वोट की बात कर रहे हैं आप, बंद कराने की डिमांड करेंगे कि निगम जेडीए इनको बंद कर देना चाहिए, केवल भ्रष्टाचार के मूर्तियां बना करके रख दें आपने वो बिल्डिंग्स जिसमें केवल करप्शन के अलावा कुछ नहीं होता है, आवश्यकता नहीं है। पीडब्ल्यूडीए वो सड़क बना देगी, हाउसिंग बोर्ड है वो बिल्डिंग बना देगा, अगर किसी को देना ही है तो कलेक्ट्रेट से भी आपके राशन कार्ड बन सकता है, आपके पट्टे निकल सकते हैं, दूसरी जगह कैसे निकलते हैं, पंचायतें भी बांट रही है पट्टे, पट्टा लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग व्यवस्था सुधारने की बात करते हैं, जो हालात है अगर ये हालात बने रहे तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सबको एक इस तरह से देखा जाएगा कि कभी इस तरह के नगर निगम के अंदर साधन सभा हुआ करती थी, कभी यहाँ बोर्ड हुआ करते थे, पब्लिक जरूर एक रोज डिमांड करना शुरू कर देगी कि आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे स्टाफ बहुत अच्छे, आप विदेशों में यहाँ से अधिकारियों को भेजते हैं, डेलीगेशन आते हैं, देखते हैं कि मेयर किस तरह से काम करते हैं, मेयर का अपना एक प्रभाव होता है, वहां की लोकल बॉडी का अपना एक अहम रोल अदा करना का होता है, बहुत सारी चीजें उनकी जवाबदेही होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो मस्त रहिए, चुस्त रहिए और दुरुस्त रहिए, बस एक चीज जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। पब्लिक है, पब्लिक भुगतेगी। विद्याधर की नगर की घटना है, चमड़ी हमारी इतनी मोटी हो चुकी है कि जानते हैं अच्छे से, 3 दिन होगा हाउल्ला मचेगा, उसके बाद में सब खामोश अपनी दिनचर्या में जुट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आक्रोश जब फूटता है तो आपको ध्यान होगा कि जब 2012-16 दिसंबर की घटना थी, एक बच्ची के साथ जब दिल्ली में गैंग रेप हुआ था, बिना किसी नेतृत्व के पूरे मुल्क की पब्लिक सड़कों पे थी, शायद हो सकता है कि ऐसे कभी एक आंदोलन और करना पड़े कि सिस्टम के खिलाफ, क्योंकि अगर हालात नहीं सुधरे, लोग इसी तरह से अपनी जान पे खेलते रहे, जान गंवाते रहे, तो कहीं कभी तो कोई आक्रोश है जो फूट करके बाहर आएगा। आपको लगता है मेयर साहिबा कि वास्तव में इनके को आवश्यकता नहीं, अगर यही घटनाएं होती रहेंगी, ये इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ेगा, एनक्रोचमेंट का सामना करना पड़ेगा, सड़कों पे इस तरह से गंदगी आवारा पशु होंगे, तो आवश्यकता है कि कोई निगम की आवश्यकता हो या जयपुर विकास प्राधिकरण की आवश्यकता हो? योगेंद्र जी, जो लोकल बॉडीज का जो फंक्शनिंग जो है वो इसीलिए किया था कि आप जब नगर निगम से पहले 15-16 साल तक चुनाव नहीं हुए थे तो ये सारा ऑफिसर्स के हाथ में था, ये जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए लोकल बॉडीज जो नगर निगम या निकाय इनकी जो चुनाव किए गए कि वहां का जो जनता के बीच जनप्रतिनिधि जाए, जो वहां पर ऑफिसर्स पे कंट्रोल करे, जनता की आवाज को वहां पर रखे। लेकिन अभी जो ट्रेंड हो रहा है कि अगर जनप्रतिनिधि वहां जाकर के जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, अगर उनका कोई काम नहीं होता है, ऑफिसर्स की बात रखते हैं, तो ऑफिसर्स धरने पर बैठ जाते हैं।
आरएएस ऑफिसर धरने पर बैठ जाते हैं, ये कौन सा नया सिस्टम चालू हो गया? अगर इस तरह से ये करते रहे तो आप देखिए कि सिस्टम की क्या स्थिति हो जाएगी। तो ये नियंत्रण के लिए है कि जो पार्षद हैं उनका भी नियंत्रण बहुत जरूरी है, उनकी वहां जो अपनी बात जनता की लेके आते हैं वहां पर रखते हैं। और जहां तक मैं समझती हूं कि इनको भी ये राइट है, इनको कंप्लेन होनी चाहिए, इनको मेयर भी, उनको भी जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मैसेज जाना चाहिए सरकार की नगर निगम की तरफ से कि जो जनप्रतिनिधि आए हैं वो इन अधिकारियों से बड़े हैं, उनको इन जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना होगा और जो जनता की समस्याएं हैं उनका समाधान करना होगा। अगर वो इसमें असफल होते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। चलिए मैं एक बात जानना चाहता हूं, करोगे ना कार्रवाई? एक बात मैं यहां पे मैडम दवाई आपसे जानना चाहूंगा। राजेंद्र सिंह जी ने एक बात कही, ये सारा सिस्टम तब होता है कि आदमी खुद अपने आप को इतना मजबूत साबित करे चारों तरफ से, काम में मैं दुरुस्त हूं, मेरे पे किसी तरह का कोई लांछन नहीं लगा सकता, तो हिम्मत हम जब जुटा पाते हैं। अगर हमारा धरातल खुद का कमजोर होगा तो हम किस बेस पे किसी को कह सकते हैं? नजरें तभी झुक जाती हैं जब हम कमजोर हो। आप बात सही कह रही हैं कि ये सारी चीजें होनी तो चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने जब डीएलबी का एक्ट भी पढ़ा इस घटना के बाद में, वास्तव में फंक्शनिंग क्या है डीएलबी की, ये सारी मैंने देखी है। उसमें हालात ये है कि डीएलबी का तो बिल्कुल जो फंक्शनिंग है उसकी प्रांतन जो है, आप प्रावधान जो है बने हुए हैं उसको तो एकदम खारिज कर दिया हमारे सिस्टम ने, वो कहीं पे भी नहीं है। आप जो कह रही हैं कि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि आरएस अधिकारी या अधिकारी हैं जो जनप्रतिनिधियों पे आरोप लगा रहे हैं, धरने पे बैठ रहे हैं, नहीं वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। क्यों? वो करप्शन के लगा रहे हैं, तो करप्शन के लगा रहे हैं साहब, ये हमारे से भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। नहीं नहीं, तो उनकी जांच करो, आप उनकी जांच करो, आप जांच करो इसका क्या है। उनका अपना भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कर रहे हैं, खुद अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी पकड़े जा रहे हैं ना, जो जांच हो रही है नगर निगम में रिपोर्ट दे रहे हैं, कहां मना है, उनकी रिपोर्ट दे, उसकी जांच कराओ, एक महीने में जांच करके उनको घर भेजे। पार्षद के यहाँ पे लिफाफे देने पड़ते हैं, वो घर भेजे, उनको मना कौन कर रहा है? अगर कोई भ्रष्टा है बिना प्रूफ के कुछ इस तरह से कहना बिल्कुल गलत है। जांच करो एंटी करप्शन, मेरे एंटी करप्शन कितने पकड़े गए आप देखिए, पकड़े नहीं है इस मामले की, जांच होनी चाहिए। एंटी करप्शन में शायद उनकी जांच ही नहीं चल रही क्योंकि अब सत्ता का प्रभाव देखिए या कुछ और देखिए, लेकिन जो जांच होनी चाहिए, हमने शायद 3-4 मामलों को लेकर जांच दी। ऐसा लगता है कि कोई ऐसा ज्यादा भ्रष्टाचार कार्रवाई नहीं हो रही, उसका ट्रांसफर करो, ऐसी जगह लगाओ। आप एक सेंटर की बात देखिए, गडकरी जी का बयान आया था, उसमें भी यही कहा था कि जो है ब्यूरोक्रेट्स बहुत हर्डल्स पैदा करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी भी सुधार करने की जरूरत है, इनको भी अपनी ड्यूटी याद दिलाने की जरूरत है। और मैं समझती हूँ, मुझे लगता है ये तो सारे हमारे लोकतंत्र के जो तीनों स्तंभ हैं वो अपने अपने खुद अंदर से चिंतन करें कि वास्तव में हम किस दिशा में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। अगर पब्लिक का विश्वास उठ जाएगा तो मुझे लगता है कि लोग ये कहेंगे कि अंग्रेजों का राज ठीक था कि कम से कम वन मैन शो तो था कि सारे एक ही आदमी चला रहे हैं। हमारे यहाँ तो बड़ी अजीब सी स्थिति बनती जा रही है। योगेंद्र जी, हालात जो है इसमें कोई संदेह नहीं है कि निगम और हमारे सिस्टम की कई बार फेलियर पॉइंट जो आते हैं उसकी वजह से खामियाजा उठाना पड़ता है। सड़क में गिर करके किसी की डेथ हो जाती है, पानी का जब बारिश का आता है तो वहां पे केबलिंग की वजह से करंट से चिपक करके एक मौत हो जाती है, वो भी एक अधिकारी के शायद को रिलेशन में, कुछ दिन पहले की जो त्रिमूर्ति सर्किल की घटना थी, ऐसे आए दिन जो घटनाएं होती हैं कि पानी का फ्लो इतना है कि उसकी वजह से लोग बह गए। ये जो चीजें हैं, आवारा पशुओं की वजह से एक विदेशी मेहमान की जान चली जाती है। हम स्मार्ट बनने के सपने तो देख रहे हैं, हमारे स्मार्ट बंद बनाइए कम से कम ड्यूटी का एहसास करके। आप अभी ये तो कह सके कि बिल्कुल हम पिंक सिटी जयपुर के वासी हैं, ऐसे तो मुझे लगता है कि हालात बिगड़ जाएंगे। 5 लोग मरे हैं सिर्फ किस वजह से, कि हमारे सिस्टम के फेलियर की वजह से। हम आए दिन जो घटनाएं होती हैं इससे कितना सबक ले पाते हैं? कभी चर्चा सुनते हैं निगम में कि हाँ बिल्कुल अब आगे से कम ये तो नहीं होना चाहिए? देखिए, सारी चीजें हैं, जिम्मेदारी नगर निगम की है कि पहले तो शहर साफ हो, साफ सुथरा हो। उसके लिए कई बार खुद इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है कि मुख्यमंत्री खुद इस कचरा उठाकर संदेश देती है कि शहर साफ नहीं है। महापौर इसीलिए बदल दिए गए कि शहर साफ नहीं है। उसके बाद सीवरेज की समस्याएं हैं। वर्ल्ड सिटी में तो अक्सर ये होता है, यहाँ पर लोग मंदिर जाते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, या फिर मदरसा जाते हैं, वहां पर ये कहते हैं कि गंदे पांव जाना पड़ता है क्योंकि सीवरेज की स्थिति ऐसी है। कई दशकों पुरानी जो सीवरेज की लाइनें हैं वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। अलग अलग सेंटर से फंडा है, या फिर डीएलबी से फंडा है, या फिर यूडीएच विभाग फंड दे, उनके लिए नाम आते हैं कि इस बार उनका काम हो जाएगा, लेकिन नहीं होते हैं।
अक्सर आम आदमी की शिकायत ये होती है, और बड़ी बात यह है, इसे विडंबना माने या कुछ और, नगर निगम ने यह साफ कह दिया कि 9:30 बजे ऑफिस खुलेगा और उसके 3 बजे बाद ही कोई आमजन का प्रवेश होगा। उससे पहले हर आदमी से आइडेंटिटी ली जाती है और उससे पास लिया जाता है कि आप निगम में आएंगे कि नहीं आएंगे, कारण देना होता है। और बड़ी बात यह है कि 3 बजे बाद जब आम आदमी जाता है नगर निगम अपनी समस्या लेकर, तो वहां पर अधिकारी कर्मचारी ही नहीं मिलते, तो इस पूरी व्यवस्था का करना क्या है? अगर आमजन को राहत ही नहीं मिलती है तो उससे मतलब क्या है? वो बड़े सवाल ये उठते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से वन मैन शो की बात कर रहे हैं कि शायद शहरी सरकार में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, कितने भी पब्लिक हल्ले मचा ले कोई सुनने वाला नहीं है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, तो बड़ी यही चीजें सामने आ रही है। चलिए, लापरवाही का जो मिसाल को लेकर के हम बात कर रहे हैं, मैं पिछले कुछ दशक पहले आपको लेकर के जाऊंगा, जिसमें से हो सकता है कि आप दोनों को कितना याद होगा, लेकिन ये दो हमारे अतिथि बैठे हुए हैं, इनको बहुत अच्छे से ध्यान होगा। 79-80s में यहाँ पे जब बाढ़ आई थी, उस वक्त ये कहा गया था कि वास्तव में नालों का ये ध्यान रखना होगा, वो होगा। मैडम सील धवाई जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है, अगर कभी इंद्रदेव ऐसे मेहरबान हुए, अंदाजा लगा सकते कितनी लाशें होंगी? हम एक इस घटना से तो सबक लेने की अभी कह रहे हैं कि नहीं, आगे हमें ध्यान रखना होगा, उन घटनाओं से कितने सबक ले रहे हैं? नालों में कितना इंक्रोचमेंट है, सिर्फ पॉलिटिकल दखल की वजह से सारे लोग हैं। मुझे अच्छे से ध्यान है, जो आज दुनिया में नहीं है, मिस्टर थानवी जेडीसी हुआ करते थे, जब एक बार वो लेकर के जा रहे थे दिल्ली बाईपास से, तो उन्होंने आंख बंद कर ली कि किसी दिन भगवान ऐसा नहीं करे कितनी बारिश आए, 2 लाख लोग जयपुर में मरेंगे, अंदाजा है किसी को? हम उस ढेर पे बैठे हुए हैं आंख मूंद करके, सिर्फ वोट की राजनीति के अलावा कि मेरा वोट है, मेरे बूथ पे ये वोट आते हैं, नहीं इनको कोई नहीं छेड़ेगा, उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कैसे इस तरह से बस्तियां डेवलप होगी नालों के अंदर? नहीं, देखिए योगेंद्र जी, आपने जो बात कही सही है, लेकिन इस नाले के लिए आपने जो देखा द्रव्यवती नदी, जो नाले तो बहुत छोटी सी बात है, नहीं नहीं, तो आप जाइए हनुमान जी जाते हैं नाले में, किस तरह से बस गए लोग, कच्ची बस्तियां कैसे बस गए लोग? बिल्कुल, ये मैं कह रही हूँ कि ये जो ऑफिसर्स की जो लापरवाही, अभी जैसे खड्डा बस्ती हो गई थी इसको भी हटाया, और जो वहाँ पर शास्त्री नगर की बस्ती है उसको भी वहाँ पर शिफ्ट करा। खड्डा बस्ती में अगर अदालत का डंडा नहीं चलता तो ऑफिसर्स की कोई गलती नहीं है, ऑफिसर्स से दबी जुबान में हमने हमारे कानों से सुना है कि साहब 3 साल पहले बस्ती खाली हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, महज जनप्रतिनिधियों के दखल की वजह से कि आपको क्या दिक्कत है, रहने दीजिए, इसको देखा जाएगा। ये सब चीजें अगर आप लोग ऐसे सहन करना शुरू करोगे तो, और मुझे लगता है कि बेशक मैं अगर कहीं पर, मुझे लग रहा है कि बहुत ही कमजोर जगह पर मैं बैठा हुआ हूं, थोड़ी देर के लिए मैं खुश हो सकता हूं कि चले मेरे ऊपर फरागने का आशीर्वाद है, अब तो बिल्डिंग बन गई, चल जाएगा काम, नहीं, लेकिन हम जिंदा, मुझे लग रहा है कि उस कब्र में पांव डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल अगर ऊपर से मिट्टी डालने के बाद में आप उसमें दफन हो सकते हैं। ऐसी बिल्डिंग्स, कच्ची कच्ची बिल्डिंगें हैं, पानी का फ्लो वहां से होता है, तो किस तरह के हालात होंगे? हमें सबक लेने की जो बात करते हैं, जो बद्रीनाथ केदारनाथ, कई बार इस बात की रिपोर्ट्स दी गई थी कि वहां पे हालात अच्छे नहीं है, जिस तरह से एनक्रोचमेंट था, वो भी एक तरह से अतिक्रमण, आप उस प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं, आज वो सिस्टम के साथ छेड़ करके आप अपने पैसे के बल पे, करप्शन के आधार पे आप बिल्डिंग तो खड़ी कर लेंगे, आप उस नाले में बस भी जाएंगे, उस हालात का अंदाजा लगा सकते हैं? कभी रात को जिसकी सुबह ही नहीं होगी उसका किसी को एहसास है इस बात का, तो ये क्यों नहीं हटाए जाते हैं ये सब चीजें? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आपको एक उदाहरण देती हूँ कि जो ये श्याम नगर जो नाला है, वो जब शांति धारीवाल जी कांग्रेस की सरकार थी, हम लोगों ने भी वो बात उठाई थी, वो आज भी बने हुए हैं, वहां पर काम रोक दिया गया है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि जो जहां पर है उसको पट्टा दे दो, ये इतना भयानक था, जिस पर रोक लगनी थी और लगाई थी, और जो मतलब अभी आंदोलन भी लोग कर रहे हैं, वह सरकार हटा रही है कि जो बहाव क्षेत्र में आ रहे हैं उनको किसी भी तरह से शिफ्ट किया जाए, और हमारी सरकार ने पालरी मीना में भी कई जगह भेजा है, और भी जगह लोगों को जो डेंजर जोन है वहां से हटा हटा के कर रही है, सरकार प्रयास कर रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपसे कि वो बस कैसे जाते हैं, किसी ने पॉइजन खाया, किसका इलाज चल रहा है, पॉइजन खाया कैसे उसने? बिल्कुल, ये लापरवाही है, ये अधिकारी जब कोई भी सरकार हो, जिस टाइम बनता है उसी टाइम वो जिम्मेदारी देखनी चाहिए कि जोन जो जोन कमिश्नर है उनकी जिम्मेदारी है कि वो, और पता लगाया जाना चाहिए कि किसके टाइम पे ये हुआ और इनके खिलाफ कार्रवाई। मैं सिंह साहब से जानना चाहूंगा, सिंह साहब देखिए आप सिस्टम से जुड़े रहे हैं, देखते भी होंगे सुनते भी होंगे, इस तरह की बस्तियां, चलिए अतिक्रमण के लिए भी छोड़िए कोई बात नहीं, अतिक्रमण भी एक तरह के मान के चलिए कि हमारा सिस्टम ही ऐसा हो गया उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो वास्तव में बरसाती नालों में नदियों में जिस तरह के अतिक्रमण होते जा रहे हैं और हम आंख मूंद करके उनको देख रहे हैं,
इनका कोई अंदाजा लगा सकता। मैं तो कहूंगा कि प्रकृति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। बात सही कह रहे हैं योगेंद्र जी। क्या है कि हमारे जो ये शासन प्रशासन है उसमें एक तो क्या है कि टोकने की प्रवृत्ति समाप्त हो गई हमारे। क्या है कि एक अचानक निरीक्षण की प्रवृत्तियां खत्म हो गई। पहले क्या है कि ये जो भी नगर निगम है जेडीए इसमें फील्ड के अफसर ज्यादा होते थे, मौके पे जाया करते थे, वो देखते थे, अपने खुद के स्रोत्र रखते थे, मीडिया के लोगों से बात करते रहते थे कि भाई कहाँ क्या किस तरह की क्या समस्याएं हो रही है। तो ये जब इस तरह की कोई भी अगर डेंजर जोन के अंदर कोई भी बसावट होती है तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई पता नहीं लगता जी, बिल्कुल पता लगता है, पर वो नीचे का कर्मचारी या तो उसमें पैसे खा लेता है या तो उसको प्रेशरे देता है कि भाई ठीक है तुम कर लो, हम इसको इग्नोरेंस रखेंगे। उससे उसको दो फायदे होते हैं, जनप्रतिनिधि भी खुश है, जनप्रतिनिधि भी उससे मिल लेते हैं, उसको कह के वहां पे उसी तरह से फिर धीरे धीरे उसमें बसावट हो जाती है। और अगर कोई वहां पे अच्छा अधिकारी है, थोड़ा संवेदनशील है, कोई इंस्पेक्शन करने वाला है, वो जाहिर देखे भैया ये पांच झोपड़ियां कैसे बन गई, आप हटाइए इनको, ऐसे बसी कैसे, एक आध के खिलाफ भी अगर नीचे के कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि एक भी झोपड़ी नहीं लगी। पर वो क्या है कि वो कार्रवाई नहीं करते। अब आप जो एक सामान्य दिन है उनमें तो आप कार्रवाई करो नहीं, अब जब बाढ़ आ जाएगी जिस दिन 50 आदमी मर जाएंगे, 100 आदमी मर जाएंगे, उस दिन आप कार्रवाई करोगे कि साहब ये चार जने थे उनको हमने सस्पेंड कर दिया। अरे भाई आपका काम शासन में बैठे हो, आपके पास में इतना लाखों करोड़ों रुपए का बजट है, साधन दे रखे हैं, गाड़ी घोड़े दे रखे हैं, नौकर चाकर दे रखे हैं, इतना बड़ा नगर निगम का बिल्डिंग दे रखी है आपको, इतने जेडीए की बिल्डिंग दे रखी है, आप उसमें पूरे राज जयपुर पे राज कर रहे हो आप, और मतलब पूरे शासन को भोग रहे हो, फिर आप अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर रहे हो, जनता की जान माल की हिफाजत करने में अपनी भूमिका है उसका पूरा निर्वहन नहीं कर रहे हो, तो ये बड़े अफसोस की बात है। इसमें जब आपको एक बात बताऊंगा, सिस्टम में जब ऊपर से व्यक्ति अगर सक्रिय होता है तो अपने आप नीचे तक सिस्टम सक्रिय हो जाता है, और अगर नीचे वो क्या है कि वो टोक सब में एक नए आजकल एक शासन में एक लोकप्रियता का और आ गया कि मैं मेरे नीचे के कर्मचारी को क्यों कहूं, वो उससे नीचे वाला के लिए मैं क्यों कहूं, उनके सबके क्या है कि नसें दबी हुई है, सबको एक दूसरे की नसों का पता है, कमजोरियों का पता है, इसलिए वो देखते हैं अगर मैं इसको कुछ कहूंगा तो ये मेरी कमजोरी उजागर करेगा, ये कहीं ना कहीं कहेगा, मीडिया में कहेगा, दूसरे लोगों को कहेगा, जनप्रतिनिधियों को कहेगा, अफसरों को कहेगा, कोई गोपनीय सूचना डालेगा, तो उसको कहना पसंद नहीं करता। कारण क्या, हमारा चरित्र इतना कमजोर हो गया, हमारी नैतिकता ईमानदारी से, हम जब कहते ही नहीं किसी को तो उसमें प्रक्रिया में सुधार कहां से होगा, परिस्थितियों में कहां से सुधार होगा, शासन अच्छा कहां होगा, यह सबसे बड़ी बात है। तो चलिए लबो लुआब यह है कि घटनाओं से हमें सबक लेना चाहिए। हमारा जो आज का खास खबर का जो एजेंडा था वो यही था कि हम वास्तव में घटनाओं से हम सबक लें, सबक ईमानदारी से लें। अगर हम एक बार के लिए ये मान के चलते हैं कि चलिए ये घटना हुई थी, तीन दिन बाद में उसकी ठंडी हो गई, अब आगे का देखा जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है हमारा सिस्टम से अगर भरोसा उठ जाएगा तो लोकतंत्र का महत्व तो नहीं रह जाएगा। यही एक बड़ी वजह है कि वास्तव में जो खोया हुआ हम एक विश्वास है, विश्वास खो रहे हैं। ये एक आम जनता की चर्चा मैं आपको बता सकता हूं कि अगर इस तरह के हालात हैं, कोई आवश्यकता नहीं है कि क्यों जयपुर विकास प्राधिकरण बनाया हुआ है, क्यों निकाय हमारे नगर निगम बनाए हुए हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जो भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, जमीन एक्वायर करिए, अपने खर्चे निकालिए, मस्ती करिए, ये जरूरत ये नहीं होना चाहिए। और वास्तव में अब जरूरत इस बात की है कि इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए। उस दिन का इंतजार मत करिए कि वो भयावह स्थिति बने और लोगों को सड़कों पर उतरना पड़े, हालात बेकाबू हों। तो मुझे लगता है कि ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और उन लोगों को समझना चाहिए जिनके कंधों पर जनप्रतिनिधि बना करके भार सौंपा हुआ है, वो देखें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Excellent.